numbers tell us how many or how much of something we have. For example, this bag has 10 cookies in it, like these. On the other hand, ordinal numbers tell us what position or place something's in. For instance, you might line up the 10 cookies to eat them one at a time. Here's the first cookie, and here's the 10th and last cookie. Yummy! अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो पीछे हमने जो कुछ पढ़ा था वो मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूंगी। अभी ये हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 46 से और पेज नंबर 54 तक। ये हमारा लास्ट लेक्चर है और ये आज हम इतने पेजेस जो है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर रिवीजन में आपको जितना हम आपने पढ़ा है वो मैं सारा आपको बता दूंगी कि ये आपने इसकी रिवीजन करनी है और उसी में से आपका चेक पॉइंट होगा, ठीक है। ये हम आज पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर्स का आपको पता है ना कि बैकवर्ड काउंटिंग होती है। बैकवर्ड काउंटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स ग्रेटर टू स्मॉलर। बैकवर्ड काउंटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बैकवर्ड काउंटिंग। रीड अलाउड, ये आपने जस्ट रीडिंग करनी है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे इसको ग्रेटर टू स्मॉलर तक लेके जाना है। जैसा कि ये देखिए 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, इसी तरह ये सारा आपने पूरा मुझे बताना है कि ये टीचर ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है। ग्रेटर डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो आप जितने ग्रेड से स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको वन तक उसको लेके जाना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा ये बैकवर्ड काउंटिंग आ रही है तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। यानी कि जैसा कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप वो क्या करते हैं, असेंड कर रहे हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप काउंटिंग करते हैं ना सीढ़ियों को जब आप चढ़े होते हैं ऊपर। तो जब आप नीचे उतरते हैं तो तब आप कहते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 47 पे आएंगे, राइट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। जैसा कि अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था, असेंडिंग ऑर्डर्स में था कि आपने जो है वो लिखनी है काउंटिंग स्मॉलर टू ग्रेटर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपने लिखना है ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी कि 10 to 1 तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इसी तरह आप करेंगे 20 to 11। ये देखें 20 to 11 डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपने लिखना है 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 इसी तरह आप मुझे लाउडली ये वाला आप रीड करके मुझे बताएंगे कि ये टीचर ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और असेंडिंग वाला भी आप मुझे जो है वो लाउडली पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है। अब ये देखें 30 to 21, यानी कि 30 to 21 तक आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। यहाँ पे 30 आएगा और यहाँ पे 21 आएगा और बीच में जो डिजिट्स आएंगे वो आपने लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह 40 to 31, 50 to 41, इसी तरह ये सारा आपने बॉक्सेस को फिल करना है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। उसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 48 पे। पेज नंबर 48 राइट नंबर्स फ्रॉम 60 to 51। 60 to 51 कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ही हमने लिखना है, ठीक है। 70 to 61 डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ही लिखना है। 80 to 71 डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ही लिखना है। आपको 1 से 100 तक अगर काउंटिंग आती है ना बेटा, तो
तो आप ये इजीली कर सकते हैं, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग का मैंने बता दिया है। 92, 81, 102, 91, जैसा कि आपने, अब पेज नंबर 49 पे आएंगे। जैसा कि आपने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था, असेंडिंग ऑर्डर्स के आपने मिसिंग लेटर्स लिखने थे, इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर के आपने मिसिंग लेटर्स लिखने हैं। जैसा कि ये है 100 के बाद हमने 100 से बिफोर क्या आएगा, 99, 98, 97, 96, इसके बिफोर क्या आएगा, 96 बिफोर क्या आएगा, 95, 94, 93, 92, 91। इसी तरह आपने 1 तक इसको जो जो बॉक्सेस, जो जो डिजिट्स मिसिंग हैं उनको आपने राइट डाउन करना है बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। ये क्लियर हो गया? जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप मुझे इसकी वीडियो बना के सेंड नहीं करेंगे। जब तक आपको क्लियर होगा, चाहे वो एक पेज हो चाहे वो आधा पेज हो, बेटा आपने वो फिल करके मुझे सेंड करना है जो आपको क्लियर हो माइंड में, कि आपको अब पता चल गया है कि ये कैसे लिखना है और कैसे करना है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। अब ये भी वैसे ही करना है कि असेंडिंग ऑर्डर्स में आपने लिखना है, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर, 1, 3, 8, 12, 33। ये देखें, ये सारे जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ये आपने इसको सही से करके डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। जैसा कि ये देखें, अभी ये इस पे मैं लिखूँगी, ये 2, उसके बाद 7, उसके बाद 18, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 64, यानी कि 64, ठीक है। इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर्स में जो सबसे स्मॉल है वो आप लिखेंगे, जैसा कि 9, उसके बाद स्मॉल सब 9 से जो बड़ा है वो आपने लिखना है, जैसा कि 10, उसके बाद 16, उसके बाद 40, उसके बाद 58। तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर्स में आपने तरतीब दे के लिखना है। अब ये देखें, 2 आएगा, असेंडिंग ऑर्डर्स में ही लिखेंगे, 2 आएगा, 2 के बाद, ये नहीं है कि 2 के बाद 3 आता है, लेकिन ये सिर्फ इन्होंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये आपने तरतीब दे के लिखनी है ताकि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लियरनेस आ जाए, ठीक है। 2, 4, ये यहाँ पे जो डिजिट्स लिखे हुए हैं सिर्फ वो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, 2, 4, 13, 61, 99। इसी तरह राइट डाउन द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। इसी तरह आपने ये देखें, ये भी तरतीब दे के लिखने हैं, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखना है। ये देखें, ये उन्होंने ऊपर वाली लाइन को फिल कर दिया है, अब आपको नीचे वाली लाइन का मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर 72, 49, 27, 9 और 1। इसी तरह 90, 89, 63, 7 और 3। इसी तरह 96, 42, 16, 8 और 5। अभी इसी तरह ये देखे 54, 44, 34, 4 और 2, ये हैं डिसेंडिंग ऑर्डर्स। इस तरह आपने ये बॉक्सेस में फिल करना है। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, पेज नंबर 51 पे आएंगे। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर्स होता है जो विच शोज पोजिशंस, यानी कि जो आपकी पोजिशन को जाहिर करता है या किसी भी चीज़ की पोजिशन को जाहिर करता है के फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है, दैट आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। जैसा कि ये देखें, ये कैमल्स बने हुए हैं, कैम फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये देखें, फर्स्ट पे फर्स्ट, ये थोड़ा सा जो आगे है, जो सबसे आगे है वो फर्स्ट है, जो थोड़ा सा पीछे है वो सेकंड है और जो उससे पीछे है वो थर्ड है। इसी तरह ये देखें, ट्रेन की जो पार्ट्स हैं, ये देखें फर्स्ट, जो सबसे आगे है वो फर्स्ट, जो सेकंड पे है वो सेकंड और जो थर्ड पे है वो थर्ड। समझ आ गई है? ऐसे आपने राइट डाउन करना है, आपको ऑर्डिनल नंबर्स का इस तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। कलर द फर्स्ट एंड द थर्ड ट्री। अब आप फर्स्ट और थर्ड ट्री मुझे बताएंगे कौन सा है। यस, ये वाला फर्स्ट है और ये वाला थर्ड है। इसके बाद
कलर दी सेकंड फ्लावर। आप मुझे बताएंगे सेकंड वाला कौन सा है इनमें से? यस, ये वाला। तो इसमें आप कलर करेंगे, कलर दी फर्स्ट लीफ रेड कलर, आप इसमें रेड कलर करेंगे। कलर दी सेकंड लीफ ग्रीन कलर, और सेकंड लीफ में आप ग्रीन कलर करेंगे। कलर दी थर्ड लीफ येलो, और इसमें आप येलो कलर करेंगे। और उस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड आप साथ साथ राइट डाउन करेंगे, ठीक है। अब आएंगे 53 पे, ठीक है। अब आपने बताना है हाफ ईच ऑफ टू इक्वल पार्ट्स इज अ हाफ पार्ट अ हाफ ऑफ द होल। अब आप बताएं कि सर्कल जब होता है, जैसा कि केक होता है, उसको बीच में से जब काट दिया जाता है, उसके पीसीज किए जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हाफ हाफ हो जाता है, यानी कि आधा आधा हो जाता है पीसीज में, ठीक है। इसी तरह आप कोई चॉकलेट, ये देखें, ऐसे लगता है किटकैट चॉकलेट है, उसको आप जब पार्ट्स में, जब पीसीज में शेयर करने के लिए पीसीज में डिवाइड करते हैं कि ये आधा आधा, यानी कि दोनों में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाए, तो वो आप उसको हाफ हाफ करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हाफ, ठीक है। इसमें से ये ब्रेड का पीस है, इसमें से सेंटर में से हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हाफ, यानी कि इक्वल इक्वल। अब ये देखें कलर हाफ ऑफ द शेप्स, ये देखें अब जो हाफ शेप है उस पर आपने कलर करना है अपनी मर्जी का, और ये सर्कल वाली हाफ शक्ल है जो, इस पे आपने शेप पे कलर करना है। अब ये वाली जो शेप है इस पे हाफ में कलर करना है, और इसमें हाफ में कलर करना है, ठीक है। ये इन्होंने कलर करके आपको दिखा दिया, आपने इन दोनों शेप्स में कलर करना है, ठीक है। अब है ड्रा अ लाइन टू कट द शेप इनटू हाफ, कलर ईच हाफ डिफरेंट कलर, ठीक है। दोनों हाफ जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए। अब हम ट्राइंगल को सेंटर में से हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हाफ, ठीक है। अब स्केयर को हम कैसे हाफ करेंगे? इसकी यहाँ से हम लाइन ड्रा करेंगे तो तब भी वैसे ही हाफ होगा, और यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे तब भी वैसा ही हाफ होगा, ठीक है, यानी कि इक्वल इक्वल। और सर्कल में से भी अगर हम यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे तब भी वैसे ही हाफ बनेगा, और यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे तो तब भी वैसा ही हाफ बनेगा, ठीक है। 54 तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये आपने जब तक कंप्लीट आपका क्लियर माइंड नहीं हो जाता, आप तब तक बुक्स पे मुझे काम करके नहीं भेजेंगे। जब आपको क्लियर हो जाएगा, आप एक एक पेज क्लियर होगा, आप उसकी उस पर लिख के आप उसकी पिक बना के मुझे तब सेंड करेंगे, ठीक है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये सारा ये वन यूनिट है, ये जो आपने रिवीजन भी इसकी साथ साथ करते जाना है, और ये इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स को लिखने की, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।